नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अपनी क्लास में। आज आपको बताएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का कक्षा पांचवी का इंग्लिश का ऐसा पेपर जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 100% गारंटी शुदा आने वाला है। दोस्तों आप इसे जरूर पढ़ के जाएं। मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को दो चार बार देख लीजिए क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इस पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो 80 हैं और ये 2.5 घंटे का समय मिलता है आपको। ये वही पेपर है जो आपके बोर्ड में आने वाला है दोस्तों, इसे जरूर पढ़ के जाएं। तो पहला प्रश्न है, चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। पहला ए है दिस, बी है दैट, सी है थिन और डी है देयर। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दिस, थिन और देयर ये तीनों के तीनों सेम हैं, डिफरेंट है वो दैट है। दूसरा है वी शुड मूव व्हेन ट्रैफिक लाइट इज, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीन, जब ग्रीन लाइट होती है तब जो व्हीकल्स हैं वो चल पड़ते हैं। थर्ड है राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है ए कंट्री अदर देन ऑन वन ऑन्स, इसका राइट आंसर लिखना है आपको। सेकंड है ए पर्सन और ग्रुप विच अटैक्स ए प्लेस। चौथा पढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा है देख सकते हैं आप, चौथा ये वाला, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नाइट का हो जाएगा मॉर्निंग और पुअर का हो जाएगा यहाँ पे रिच, यानी कि गरीब होता है वो, उसका अपोजिट होता है अमीर। पांचवा है यहाँ पे सम बॉयज एंड, जी लिखा हुआ है, जी का मतलब गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, सम बॉयज एंड गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क। छठा प्रश्न पढ़ लेते हैं, छठा प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप देयर व्हीकल्स ऑन रेड लाइट, जब लाल लाइट होती है तब व्हीकल्स रुक जाते हैं रोड पर। इन इंडिया मेनी एफ, एफ का मतलब फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स मतलब कि त्यौहार मनाए जाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे सातवां प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आगे एफ ई आर ई है और यहाँ पे एच आई डब्ल्यू टी ए टी ई है, तो आप इसको जोड़ करके बना लीजिए एक अच्छा सा वर्ड जो कि जिसका मीनिंग निकलता हो। आगे है आठवां प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे है देख सकते हैं कलेक्ट है पहले का सी ओ, देख सकते हैं सी ओ डबल एल ई सी टी यानी कि कलेक्ट, यहाँ पे ओ छोड़ रखा है और ई छोड़ रखा है और यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड, देखो एफ आर आई ई एन डी, तो यहाँ पे आर छोड़ रखा है और एन छोड़ रखा है। दोस्तों यदि आपको राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप जाइए rkll.in पर, यहाँ पर आपको rkll.in पर राजस्थान बोर्ड कक्षा पांचवी आठवीं दसवीं बारहवीं के सभी 6 सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर विजिट करें rkll.in पर। दोस्तों नौवां प्रश्न है मेक ए सेंटेंसेस यूजेस द वर्ड रीच। आपको रीच, एक रीच जो वर्ड दिया गया उसे आपको सेंटेंस बनाना है, तो कह सकते हो आई एम रीच, ये एक प्रकार का सेंटेंस बन गया है। स्ट्रक्चरल आइटम्स देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइटम 17 नंबर का है जिसमें 10वां प्रश्न है आपके चूज द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वी मस्ट बी अटेंटिव एंड अलर्ट व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव द ड्राइविंग ऑन द रोड, तो यहाँ पे ड्राइव ना करके ड्राइविंग आएगा, ड्राइविंग सही होगा यहाँ पे। 11वां है आई एम वीक आई कैन डू दिस वर्क, आई कैनोट डू दिस वर्क, यहाँ पे कैनोट आएगा दोस्तों। आगे 12वां फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यहाँ पे आपको ये वर्ब्स दी गई है जिनको यहाँ पे फिल करना है आपको 12वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 6 वर्ब्स है दोस्तों। आगे है हमारे पास में 13वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। मिस्टर मोहन ओन्स ऑन एन ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे 5 दिए गए हैं, 500 को 500 आप ध्यान से कॉपी में लिख लो दोस्तों, जितने भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से आप लिख लो दोस्तों। 14वां है चूज करेक्ट कनेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ पे 3 दिए गए हैं आपको और एंड बट का यूज करके आपको सेंटेंस को पूरा करना है। आगे है रीडिंग कॉम्प्रेंशन जो कि 31 नंबर का है, 80 नंबर को पूरा भी तो करना है। 15 से 18 नंबर के क्वेश्चन पैसेज के हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स यदि आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए डाउट नट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर, वहां पर अपने प्रश्न का फोटो भेजिए, तुरंत ही आपको उस प्रश्न का उत्तर हल सहित वीडियो द्वारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ये 15 नंबर क्वेश्चन, ये 16, ये 17 और ये 18 नंबर क्वेश्चन,
19वां क्वेश्चन भी पैसेज का है, इसमें 19वां और 20वां पढ़ लेते हैं। ये भी आपके पैसेज गए हैं। राइटिंग सेक्शन आता है 16 नंबर का, जिसमें आपको एक हेडमास्टर को अर्जी लिखनी है 2 दिन की कि मैं बीमार हूँ, इंग्लिश में लिखनी है, हिंदी में नहीं लिखनी। आगे इसी के अथवा में राइट ए लेटर टू योर अंकल, अपने चाचा जी को एक लेटर लिखना है थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग यू ए डिक्शनरी एज ए बर्थडे गिफ्ट। आपका बर्थडे था और आपके चाचा जी ने आपको एक डायरी दी, ठीक है, मीनिंग वाली डायरी होती है ना, जिसमें अर्थ लिखे होते हैं। तो आपको अब लेटर लिखना है अंकल जी को कि थैंक्स आपने मुझे डायरी दी, मुझे डायरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देख सकते हैं आपको ये जो चित्र दिए गए हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कंप्यूटर, ये एक प्रकार का जो है उद्योग है, इंडस्ट्री है, उस पर आपको कुछ लेख लिखना है। उसके बाद में 23वां है री राइट द गिवन सेंटेंसेज इन योर ओन हैंड राइटिंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। ये भी आपको एक प्रकार का सेंटेंसेस लिखना है। तो 23 टोटल प्रश्न थे क्लास 5वीं राजस्थान बोर्ड अजमेर इंग्लिश का पेपर, 100% यही आने वाला है। फटाफट से इसको कॉपी में लिख लो क्योंकि यही आने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, और आपके दोस्त जो 5वीं पढ़ते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि भगवान आपका तभी भला करेगा जब आप दूसरों का भला करोगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, यदि आप पाना चाहते हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के मॉड्यूल पेपर, तो आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट का नाम rjstudymasala.in RBSC क्लास मॉड्यूल पेपर। इतना सर्च करने के बाद में आपको जाना है पहले लिंक पर। जैसे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी rjstudymasala.in सबसे पहले, और सटीक शीर्षक पर आती है। यहाँ पे आप नीचे जाओगे, आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। पहले लिंक पर क्लिक करते ही आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं 5वीं 10वीं 8वीं की कॉपियां और आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड और मॉडल पेपर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो एक बार यहां पे जरूर विजिट करें।